मेवात जिले के ताबड़ू के गांव सराय गंगानी अरावली पहाड़ क्षेत्र में अवैध खनन करने का मामला सामने आया है। खनन विभाग की शिकायत पर पुलिस ने 13 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रात के अंधेरे में अवैध खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपरों से भरकर अंसल पहाड़ के रास्तों से गुरुग्राम सीमा में खनन सामग्री आपूर्ति की जाती है। खनन रक्षक राकेश कुमार ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि बुधवार को सराय गंगानी अरावली पर्वत क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान 4 खानों में ताज़ा टूटा हुआ पत्थर खनन सामग्री सहित अलग अलग वाहन टायरों के निशान मिले। स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता लगाया कि जेसीबी मशीन ट्रैक्टर और डंपरों की मदद से रात के अंधेरे में अवैध खनन होता है, जिसमें खरक जलालपुर निवासी अरशद जमशेद असगर इस्लामुद्दीन तौफिक शेरू साकिर इरफान ईशबू ताश मोहम्मद व कोटा खंडेवला निवासी अजय पवन और सराय निवासी समयपाल शामिल हैं। ये अवैध माइनिंग में जो है जिला पुलिस एवं हरियाणा पुलिस की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और हम अवैध माइनिंग के खिलाफ एक मुहिम के तौर पर काम कर रहे हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ हम कदम से कदम मिलाकर इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इस संबंध में हमारे द्वारा ड्रोन मैपिंग एवं जो माइनिंग पिट्स की मार्किंग भी की गई थी एवं लगातार उनका निरीक्षण भी किया जाता है। तो इसी संबंध में निरीक्षण के दौरान माइनिंग डिपार्टमेंट से हमारे को सूचना प्राप्त होने पर गाँव खरक गंगानी के अंदर अवैध माइनिंग की सूचना मिली थी, जिसमें गुप्त सूचना के आधार पर खुफिया तौर पर पता करने पर माइनिंग डिपार्टमेंट ने 13 लोगों को उसमें एक्यूज माना है एवं उनके व्हीकल का नंबर जेसीबी का नंबर भी पुलिस को अपने कंप्लेंट में दिया है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके छानबीन जारी है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई IPC एवं अन्य धाराओं के अंदर ली जाएगी। इसी प्रकार से एक मामला हमारे पास थाना पिनकवा क्षेत्र में भी आया, जहाँ गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा रेड की गई थी। मोहम्मदपुर गांव जो है उसके अंदर ये खबर आई थी, दो व्यक्ति जो है वो ट्रैक्टर से अवैध माइनिंग करते हुए भागने के प्रयास में पुलिस पार्टी पर उन्होंने व्हीकल चढ़ाने की कोशिश की। इस संबंध में संबंधित धाराओं के अंदर उनके ऊपर मुकदमा नंबर 3/2023 का थाना पिनकवा में दर्ज कर लिया गया है। अब उनको एक व्यक्ति अरेस्ट हो गया है और उसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। देखिए, ये लगातार हमारा प्रयास जारी है। हमारी एक तो डेडिकेटेड एंटी माइनिंग जो टीम है वो प्रयासरत हमेशा ही रहती है। उसके अलावा सभी थाना क्षेत्र में जहाँ जहाँ पहाड़ लगते हैं उनके अंदर हमने डेडिकेटेड टीम्स बनाई हुई हैं और इस प्रकार की जो भी सूचना प्राप्त होती है उस पर निरंतर हमारी टीम काम कर रही है और हम इस क्षेत्र में अवैध माइनिंग को बहुत हद तक रोकने में सफल हुए हैं। जहाँ भी हमें गुप्त सूचना एवं इंटेलिजेंस के बेस पर जो इन्फॉर्मेशन माइनिंग की मिलती है हम उस पर तुरंत कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बारे में नूह पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने कहा है कि मेवात क्षेत्र में अवैध खनन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खनन विभाग के साथ मिलकर पुलिस मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। ताजा मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ साथ जल्द से जल्द उनके वाहनों को भी जल्द जब्त किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते साल 17 सितंबर की रात भी यहाँ पर अवैध खनन का मामला सामने आया था, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस व खनन विभाग टीम ने गांव खरक जलालपुर में छापेमारी कर एक ट्रैक्टर जब्त करते हुए 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिनमें से 2 को ताजा मामले में भी आरोपी बनाया गया है। प्रशासन के लाख दावों के बावजूद खनन माफिया क्षेत्र के अरावली पहाड़ों से अवैध खनन करने में सक्रिय हैं। बता दें कि पचगांव में शहीद DSP सुरेंद्र सिंह हत्याकांड के बाद प्रशासन की ओर से अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए अरावली पहाड़ों की खानों में पहुंचकर चिन्हित किया गया था, लेकिन खरक जलालपुर सराय गंगानी सीमा के साथ लगते अरावली पहाड़ क्षेत्र में चिन्हित खानों से ही 2 बार अवैध खनन का मामला सामने आया है। दोनों मामलों में अब तक 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में रात के अंधेरे में अवैध खनन का खेल होता है, जिसमें जेसीबी मशीन की मदद से डंपरों और ट्रैक्टरों ट्रॉलियों में अवैध खनन के पत्थर व अन्य सामग्री को भरकर अंचल क्षेत्र में बने दुर्गम रास्तों के माध्यम से बादशाहपुर सीमा में पहुँचाया जाता है, जहाँ पर बड़ी गाड़ियों में से लोड कर आगे भेजा जाता है। वहीं आपको बता दें कि वरुण सिंगला एसपी नूह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि पिनगवा पुलिस ने भी इसे एक मामला अवैध खनन का दर्ज किया है। एसपी ने कहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर रेड की गई थी। महम्मदपुर गांव में दो व्यक्ति ट्रैक्टर से अवैध खनन कर रहे थे, जिन्होंने पुलिस पर वाहन चढ़ाने की कोशिश की थी। संबंधित थानों में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी इस मामले में हो चुकी है, उसे अदालत में पेश किया जाएगा।